बताएं किस बात को लेकर आज आप कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय पहुंचे हैं। मैं भीमसेना प्रभारी पंकज अतुलकर ऊपर जो 505 की कार्रवाई एक राजनीतिक दबाव में की गई है उस संबंध में एसपी साहब से मिलके उसमें खात्मे की कार्रवाई के लिए चर्चा की, तो उन्होंने कहा कि इसकी निष्पक्ष जांच करा के हम इस चीज़ को खात्मा करेंगे। मुझे इसी तरह से नीलेश डागा जी जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं और एक यानी कि जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उन्होंने भी संवैधानिक तरीके से आचार संहिता का उल्लंघन किया है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है और खुलेआम है ना संवैधानिक दायरे से हटके उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए हैं, जबकि संवैधानिक तरीके से उनके ऊपर भी कार्रवाई होना थी। उनके ऊपर कार्रवाई ना करके सिर्फ सिंगल व्यक्ति जो अपना मात्र विरोध प्रदर्शन कर रहा था जिसमें आचार संहिता का कहीं से कहीं तक उल्लंघन नहीं है, उनके ऊपर आप कार्रवाई करते हैं ये गलत तरीका है। एक सोशल मूवमेंट के लिए पंकज अतुलकर हमेशा काम करते रहते हैं और उनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई ये संवैधानिक तरीके से गलत है, न्यायोचित नहीं है। और मैं यही मांग करता हूं कि अगर ये कार्रवाई में खात्मा नहीं किया गया तो भीमसेना मजबूर है जंगी आंदोलन के लिए, इसके लिए शासन और प्रशासन दोनों जिम्मेदार हैं। संगठन ने क्या विशेष अनुरोध किया है कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए या खात्मा किया जाना चाहिए? हमने सिर्फ यही अनुरोध किया है कि एक सिंगल व्यक्ति अगर आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो वर्तमान विधायक के ऊपर भी वही कार्रवाई की जाए, सबको एक नज़र से देखा जाए, एक पक्षी कार्रवाई ना की जाए। अगर विधायक जी के ऊपर कार्रवाई करते हैं तो ये मानते हैं कि आप वास्तव में एक संविधान के दायरे में रहकर सही कार्रवाई कर रहे हैं, अन्यथा पंकज अतुलकर के ऊपर जो कार्रवाई की गई है 505 की, उसको खारिज किया जाए। अगर पंकज अतुलकर के ऊपर दर्ज किया हुआ केस वापस होता है और विधायक के ऊपर केस दर्ज नहीं होता है तो संगठन के आगे भी उनके केस के लिए करेगा? अगर जैसे संविधान के दायरे में अगर रहकर इस तरह से प्रशासन और शासन दबाव में आके कार्रवाई करते हैं और एक राजनीतिक पार्टी का वर्तमान में जिनकी सरकार है वो विधायक अगर इस तरह के भड़काऊ भाषण देती है तो हम जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उस आवाज़ को उठाएं और उनके ऊपर कार्रवाई करें। यानी कि संगठन पंकज अतुलकर के केस खात्मे के बाद भी इस आवाज़ उठाते हैं।